हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम क्रिएट करने वाला है नेस्ट एंगल, यानी कि काम नेस्ट एंगल होता क्या है दोस्तों। ये हर कोई फाइल है, मान लीजिए कि हमने आर्टकैम में कोई मॉडल बनाया, तो उसको मान लीजिए हम मास्टर कैम में खोलना चाह रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर दूसरे में खोलना चाह रहे हैं। जैसे आर्टकैम का ही है वर्जन दूसरा 2018 में खोलना चाह रहे हैं, 2007 में खोलना चाह रहे हैं, ये इसके लिए देता है। और देखिए इसको यूज कैसे करते हैं। तो इसको देखिए, हम पहले रिलीफ ओपन कर ले रहे हैं, कोई मान लीजिए यही वाली पहले वाली ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से हम सेंटर में करने के बाद, इसको सेंटर में करने के बाद यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम टाइल वर्टिकल कर दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये काम क्या करता है, ये इसको एसटीएल फाइल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आप किसी भी फाइल को, फाइल का कोई भी फॉर्मेट हो उसमें आप इसको आसानी से ले जा करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको बना लिया, अब हम चाह रहे हैं कि नहीं, इसको हम मास्टर कैम में ले जाकर चाहे डेल कैम में ले जाकर इसको इस तरह का डिजाइन हम कटिंग करना चाह रहे हैं किसी डाई वगैरह में, तो आप वहाँ पर ले जाकर कटिंग कर सकते हैं सारी एडजस्ट करने के बाद, ठीक है। तो ये बस इसी काम में आता है जितना हमें जानकारी है। देखिए यहाँ पर 3-4 ऑप्शन है, तो लगभग ये जैसे है फ्लैट, अंदर का फ्लैट हो जाएगा, ए सेम टू सेम जैसा बनाए रहेंगे इस तरह से हो जाएगा। तो हम ज़्यादातर जो आर्ट कैम में यूज करते हैं उसको यही हम फ्लैट में ही यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ से लिमिट रेंज साइज जो भी है आप दे सकते हैं, नहीं तो हम तो ऐसे ही करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, सीधा क्रिएट ट्रेंगल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा इसको होने के बाद में, देखिए। देखिए ये हमारा एच चेंज हो गया। अब यहाँ से हम सेव कर लेंगे। अब कहाँ सेव करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाहते हैं, तो हम 4 नंबर से सेव कर लें डेस्कटॉप पे, ठीक है। सेव कर लिया, मैं इसको, इसका आपको प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ ये कैसे यूज होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम करते हैं इसको क्लोज। देखिए हमारा पहला जैसा रिलीफ आ गया, और ये रिलीफ हमने 10 नंबर से यहाँ से सेव किया है रिलीफ में, अभी मैं दिखाऊंगा आपको 10 नंबर से है, ठीक है। तो अब इसको हम चलते हैं, जैसे ये हमारा 2008 वर्जन है सॉफ्टवेयर आर्टकैम का, जैसा कि आपको पता ही है। तो देखिए इसको मान लीजिए, इस फाइल को हम 2018 वाले में खोलना चाह रहे हैं, तो कैसे खुलेगा देखिए, यहाँ से क्लोज करते हैं और 2018 वाला जो है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने आर्टकैम 2018 ओपन कर लिया। अब यहाँ से हम जाएंगे रिलीफ में और इम्पोर्ट मैम 3D मॉडल, ठीक है। यहाँ से 3D मॉडल में जाएंगे, देखिए 4 नंबर जो हमने सेव किया था इसको ओपन करें। यहाँ पे ये साइज जो भी पूछ रहा है साइज आप दे सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ से सेंटर पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सेंटर पे आ जाएगा, और यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं ऐसे क्लोज। ये चीज़ देखिए 2008 वर्जन का था, हम 2018 में इसका यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। इसको दोबारा हम समझने के लिए देखिए, जो हम अगर स्टील में हमारा कन्वर्ट नहीं है तो हमारा नहीं आ पाएगा। देखिए हम जैसे पहले वाला को हम इंपोर्ट करते हैं 3D मॉडल में, जैसे ये रिलीफ में रखा था हमने, आपको पता है, देखिए यहाँ पे था और यहाँ पे आर्टकैम में ये रिलीफ फाइल में यहाँ पे, सॉरी आर फाइल में 10 नंबर पे था ये वाला था। यहाँ से हम ओपन करेंगे तो वो नहीं ओपन हुआ, देखिए इस तरह से हमारा इधर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो उसका यूज यही होता है कि आप किसी भी फाइल में उसको खोल सकते हैं। दोस्तों एक और, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इसमें का जैसे 2018 के वर्जन का कुछ भी है, इसको हम 2008 में ओपन करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कुछ, जैसे एनिमल्स या कुछ भी, जैसे ये वाला मान लीजिए हमारा फाइल है, और इसको हमको, तो इसको देखिए हम कैसे ओपन करेंगे उधर, यह है हमारा। और इसके बाद हम यहाँ पर सेंटर में जाएंगे और यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये पेस्ट हो चुका है, अब क्या करेंगे, यहाँ से मेस एंगल में क्रिएट करके यहाँ से फ्लैट में, और यहाँ से हम इसको स्मूथ शेपिंग में, और यहाँ से क्रिएट कर देंगे, ठीक है। देखिए क्रिएट हो गया, अब यहाँ से सेव कर लेंगे। मान लीजिए डेस्कटॉप पर हम इसको करना है 5 नंबर से,
फाइव नंबर से और यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, मैं जाएंगे यहाँ पे, देखिए आर्टकम 2008 हमारा ओपन हो रहा है। और इसको अगर इसमें हम ओपन करना चाहें तो देखिए, मान लीजिए यही साइज है हमारा। ठीक है, यहाँ से हम टाइल वर्टिकल कर ले रहे हैं ये, और यहाँ से हम जाएंगे रिलीफ में, इंपोर्ट मॉडल करेंगे, और यहाँ से हमारा पांच नंबर जो था इसको ओपन करेंगे। देखिए ये हमारा वो यहाँ से हम कर देंगे इसको सेंटर में। ठीक है, और सेंटर में करने के बाद देखिए हमारा दिखा रहा सेंटर, और यहाँ से हम कर देंगे पेस्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे साइज भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप डायरेक्ट इसको ओपन करेंगे यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये है और इसको हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं लिप में, अगर यहाँ सेव कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम डेस्कटॉप पर इसको भी रख रहे हैं, इसको हम सिक्स नंबर से अगर यहाँ से सेव कर रहे हैं, आप देखेंगे उसमें ओपन नहीं हुआ, क्योंकि हमारा वर्जन अलग है, वो अलग वर्जन है। ठीक है, देखिए अब हम चलते हैं आर्टकम 2008 में यहाँ पे, और यहाँ से फिर वही काम करते हैं, जैसे रिलीफ हमने सेव किया है ना, तो इसको रिलीफ में भी हमसे ओपन करेंगे तो नहीं होगा। जैसे डेस्कटॉप पे है हमारा सिक्स नंबर पे है, इसको ओपन करेंगे तो नहीं होगा। देखिए कुछ नहीं है, यहाँ से हम इसको पहले क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए है, यहाँ से हम इसको डेस्कटॉप पे है हमारा रिलीफ है सिक्स नंबर, जैसा कि आपको हमने दिखाया था ये, अब इसको हम ओपन करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ से भी अगर हम ओपन करेंगे 3D मॉडल में, यहाँ से सिक्स नंबर पे, क्योंकि ये रिलीफ था तो हम यहाँ आर फाइल करेंगे तभी शो करेगा। देखिए सिक्स नंबर है, इसको ओपन करेंगे तो भी एरर आएगा। देखिए इस तरह से एरर आके रह जाएगा। ओके दोस्तों, इसका मतलब आपने समझ गया होगा कि इसका यूज क्या होता है, कि किसी भी सॉफ्टवेयर में इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।